नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर। ये खेमीपुर निंदियावा पोलिंग बूथ है। आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं और देखा जा रहा है भीड़ भी काफी यहां पर नजर आ रही है। आज प्रत्याशियों की किस्मत पर वोटिंग पड़ने वाली है, लोग अपना मत देने वाले हैं और किसको यहाँ से जिता रहे हैं। अम्बेडकर नगर सीट जो है किसके पाले में जा रही है, कहीं ना कहीं तस्वीर आज साफ हो पाएगी, क्योंकि आज जो वोटिंग पड़ रही है उससे एक नतीजा साफ हो पाएगा कि कौन यहाँ से जीत रहा है। यहाँ पर कुछ लोग वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम जी, आप वोट डाल के आ रहे हैं, बड़ी सुबह सुबह आज वोट डाल दे रहे हैं, क्या मन में था? 12 बजे है, अभी सुबह है भाई। नहीं, सुबह ही है एक तरीके से। जिस तरीके से भीड़ अभी दिखाई दी सुबह, उस तरीके की भीड़ नहीं थी। तो ये बताइए, क्या क्या मुद्दा रहा, क्या सोच के आप वोट करने गए? क्या आपकी? हमारा मुद्दा तो कन्फर्म है, वैसे ही देख लीजिए। जी जी, क्या क्या कन्फर्म? क्या जान रहे हैं, तो देख लीजिए, आप लोग समझ सकते हैं। वो खुल के बोल भी रहे हैं कि हमारा मुद्दा आप लोग जान रहे हैं कहाँ पड़ रहा है वोट, और आप लोग समझ सकते हैं। तो लोग और वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वोट डाल लिया आपने? क्या मुद्दा रहा वोट डालने के पीछे? किसको वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा रहा, कुछ सोच के आए होंगे? डाल लिए किसी को भी। किसी को भी डाल लिए? नहीं, कुछ मुद्दा रहा। लोग अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर है और पोलिंग बूथ एरिया यहां से 100 मीटर की दूरी पर है। लोग वोट डाल के आ रहे हैं, लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे अम्बेडकर नगर सीट का जो रुख है वो किस तरफ चल रहा है, क्योंकि वोट डालने के बाद एक तस्वीर साफ हो जाती है जो आप लोग इस वीडियो में अनुभव कर पाएंगे और जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। बाकी जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा, आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि कौन जीत रहा है अम्बेडकर नगर से सीट को। चलिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। लोग वोट डाल के आए हैं और किस तरफ इनका वोट रहा है, क्या इनके मुद्दे रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? देव प्रकाश वर्मा। तो देव प्रकाश जी, किसे वोट डाल के आ रहे हैं, क्या आपके मुद्दे रहे? वोट नहीं डाले हैं। वोट अब नहीं डाले हैं, तो आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे सब ठीक है। क्या सोच के जा रहे हैं, किसके किसे वोट किया जाएगा? प्रत्याशी और सरकार सब कुछ देखते हुए। नहीं, तो किसको देख रहे हैं, किस सरकार को देख रहे हैं, किस प्रत्याशी को देख रहे हैं? अब अगर क्लियर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो वोट डालने जा रहे हैं आप, जैसे कि आप अपना वोट डालने के लिए जा ही रहे हैं तो ओपन हो जाएगा ना, अभी हम किस डालेंगे फिर? अरे वही तो पूछा जा रहा है, ओपन तभी तो होगा, वही पूछा जा रहा है आपसे। वो लोग देख रहे हैं तभी तो वो लोग समझ पाएंगे, अब जाएंगे तो जो समझ में हमारे दिमाग में है। चलिए, ये बताइए, 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल आपको सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक लगा है आपको? चलिए, यहाँ पर एक लोग और, उनसे हम बात करते हैं। वोट डाल लिया आपने? अभी नहीं डाले हैं, अभी डालेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने के पीछे? मुद्दे यही रहेंगे कि जो भी सरकार हो काम भी अच्छा करे, ताकि जनता को निराशी ना हो, और यही देखकर जनता जो है वोट देती है कि जनता का काम भी हो, जनता खुशहाल रहे, किसान भी परेशान ना हो, यह देखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। और जब काम अच्छा करेगी तो सरकार को उसी को वोट देंगे जनता। ठीक है, किसको वोट कर रहे हैं आप? अभी जाएंगे हम तो निषाद पार्टी गठबंधन में हैं, तो जहां गठबंधन है हमारा वहीं करेंगे वोट। अच्छा अच्छा, तो आप लोग समझ सकते हैं निषाद पार्टी से हैं, और भैया आप वोट डाल के आ रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। तो भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, और आपसे पूछना है कि आप तो 10 साल में बहुत काम किया है, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 10 साल मोदी जी ने करके दिखाया है, इसलिए हम लोग मोदी के नाम पर वोट करते हैं। यहाँ से प्रत्याशी रितेश पांडे जी हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी को? मोदी जी भी है और मोदी जी हैं तो रितेश पांडे जी हैं, और रितेश पांडे भी नवा हमारे युवा नेता हैं। चलिए, आप तो बूथ अध्यक्ष हैं, बीजेपी के हैं, तो आपसे क्या बात करना है। हम कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ, वोट डाली आपने? हाँ, डाल दी। और कितना टाइम हुआ वोट डाले हुए? अरे अब आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हो गया है, तो बढ़िया काम आप कर दिए। किसको बना रहे हैं इस बार? लालजी वर्मा को। लालजी वर्मा साइकिल निशान को आप लेके आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, अम्बेडकर नगर सीट पर बताया भी जा रहा था शुरू से, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अम्बेडकर नगर सीट का जो है पेच फंसा हुआ था। एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई देता है तो एक बार बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो कोई सपा में दिख रहा है, फिर कोई बीजेपी में दिख रहा है, फिर भैया से बात की तो कह रहे हैं लालजी वर्मा जी आ रहे हैं। तो मामला जो है यहाँ का काफी टक्कर का प्रतीत होता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। तो क्या कारण है आप लालजी वर्मा को वोट कर रहे हैं, कुछ कारण होगा? इनकी नीतियां और हर चीज ठीक है, इसी के लिए हम लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। बढ़िया नेता है। संविधान बचाओ। संविधान बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन आप करना चाहते हैं? हाँ। तो आप लोग समझ सकते हैं मुद्दे क्या हैं लोगों के, और भी कुछ मुद्दों को जानने की कोशिश की जाएगी। चाचा जी, वोट डालिए आप।
हाँ वोट डाल दिए। वोट डाल के आए, क्या मुद्दे रहे थे, क्या क्या सोच के वोट करने गए थे? अरे वोट हम लोग सरकार अच्छी काम करे, जनहित में काम करे, इसीलिए वोट डाला गया। अच्छा अच्छा। और वोट का नाम तो लिया नहीं जाता है। नहीं, नाम ले रहे लोग, वोट डाल, नाम जो डालने के बाद आप ले सकते हैं। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। हाँ। लेकिन किसको वोट दिया गया? गुप्त मतदान प्रक्रिया काहे की गई? नहीं वो इसलिए, बिल्कुल सही बात है, बताना जाना बिल्कुल, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे किसको हम वोट करके आ रहे हैं। चलिए चलिए, जब गुप्त मतदान प्रक्रिया हो रही है तो हम भी वही कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो लोग कैसे अंदाजा लगाएंगे? ठीक है, सरकार जो है अच्छी चुननी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, चाहे जो सरकार हो। अच्छा, सरकार रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं नहीं, रहनी भी चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। एक एक छत्र शासन नहीं होना चाहिए। आप तो फंसा दे रहे हैं लोग, समझेंगे? नहीं दोनों, हाँ तो फंसा दे रहे हैं हम भी। एक छत्र शासन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तानाशाही आ जाती है। हाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, जाता है कि मैं ही अकेला हूँ ना जी, तो सबको अवसर मिलना चाहिए। आप लोग जान रहे हैं ये अयोध्या का गोसाईगंज क्षेत्र है और अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर ये सीट में आता है और यहाँ के लोग बोलने में बहुत तेज हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं। भैया ने पहले घुमाया आपको, फिर समझा भी दिया कि वोट कहाँ जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। हम आगे चलेंगे, लगातार कई बूथों पर हम चलने वाले हैं और ज़्यादातर लोगों से हम जानकारी करने वाले हैं और इससे एक तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि आज वोट डाल के लोग आ रहे हैं। आज अलग जोश लोगों के चेहरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, अपनी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर, वोटिंग चल रही है और हम लोग यहाँ पर बहुत सुखे हैं। आप देख रहे हैं ये पारा गरीब सा पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग वोट डाल के आ रहे हैं। जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करने वाले हैं और अभी तक आप हमारे चैनल पर लगातार जो सर्वे दिखाया गया है उसको आपने देखा होगा। जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उनसे हम बात भी करेंगे और बाकी आपको क्या लग रहा है, अंबेडकर नगर सीट जो बताया जा रहा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो अभी तक दिखाई दे रहा है, लोग अपने वोट डाल के आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। बाकी लगातार आपने वीडियो को देखा होगा, हम लगातार सभी जो बूथ हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ में एक लोग हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वोट डाल लिया आपने? वो कितने लोग आए हैं आप वोट डालने? परिवार है पूरा ये? हम तो दो परिवार। अच्छा अच्छा, तो क्या किस क्या मुद्दा रहा आपका वोट के पीछे? सर क्या सोच के वोट करने गए? दबा के आया आप? साइकिल का दबा के आया आप? चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं अभी वोट डाल के आ रही है, उनसे हम बात करेंगे। वोट डाल लिया आपने? क्या क्या मुद्दा रहा, क्या सोच के वोट करने गए? हमारी सरकार बन रही है। किसकी सरकार बना रहे हैं? कमल की। कमल की बना रहे हैं। तो प्रत्याशी कौन है यहाँ पर? रितेश पांडे है। रितेश पांडे जी हैं। तो आप लोग पूरा परिवार है ये वोट डाल के? सभी लोग एक ही जगह वोट डाले हैं? जी जी सर। अच्छा, चलिए यहाँ पर भैया हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वोट डाल लिया आपने भी? जी भैया। तो पूरा फैमिली डाले हैं? हाँ, पूरा परिवार अपना। तो क्या मुद्दा रहा आपका, क्या सोच के आप वोट करने के लिए आए इस बार? विकास के लिए सोचते हैं। हाँ हाँ, विकास जी। और किसको किसको किया गया वोट? कमल फूल पे। कमल के फूल पे किया वोट आपने। यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर जो सीट थी वो बताया जा रहा था कांटे की टक्कर है और आज आप वोट डाल के आ रहे हैं, एक अलग जोश आपके अंदर होगा और आपने तय कर दिया इस सीट से कौन जीत रहा है। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? हम लोग दिख रहा है बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। चलिए, हम यहाँ पर ज्यादातर लोगों से हम बात करेंगे जिन लोगों ने वोट डाल लिया है। वोट डाल दिए हैं भैया? वोट डाल दिया मैं। अच्छा अच्छा, किसको डाल के आ रहे हैं? हम बीजेपी को डाल रहे हैं। बीजेपी को आप डाल के आ रहे हैं? क्या मुद्दा था बीजेपी को डालने का? हमको बस उन्हीं को जिताना है, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे लिए कुछ काम किए हैं। अच्छा अच्छा, मोदी जी को आप जिता रहे हैं? तो आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं वोट डाल रहे हैं और जो लोग वोट डाल के आ जा रहे हैं हम उन लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग और भी हैं और जो लोग निकल के आएंगे उनसे हम फिर बात करेंगे। वोट डाल लिए भैया? हाँ सर। तो क्या वो क्या मुद्दा रहा इस बार? इस बार तो ठीक है। नहीं, क्या सोच के वोट करने गए, किसे वोट किया आपने? हम तो साइकिल को दिए। साइकिल को आप दिए हैं? साइकिल को वोट आप दिए तो कुछ सोचे होंगे कि साइकिल को इसलिए वोट किया जाए, क्या सोच के आप वोट किए? वही सोच के किए। तो आप लोग देख रहे हैं मामला जो है अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट का, कहीं ना कहीं ये बराबर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग वोट करके आई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जो लोग निकल के और आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अम्बेडकर नगर सीट की जो तस्वीर है आज वोट पड़ जाने के बाद साफ हो जाएगी
और जैसा कि आप लोग जान रहे 4 जून के बाद नतीजे आ जाएंगे, वोट डाल लिया आपने, तो क्या मुद्दा रहा आपका वोट करने के पीछे, क्या सोच के आपने वोट किया? मत हमारा सामने अपना अल्लाह। हाँ वही वही हम कह रहे हैं कि किस प्रत्याशी को आपने वोट किया, क्या कारण रहे उसके? क्या कारण है? सब ठीक, सब ठीक है। चलिए वोट कर लिया आपने? हाँ हाँ। पूरा परिवार वोट करने आया? हाँ पूरा परिवार। तो किस किसको किया गया वोट? भाई हमने वोट डाल दिया बस, जो जीते मुझे ही कहा जी का है। कैमरे बाप नहीं बोलेंगे। ये कुछ लोग हैं और माता जी भी हमारे साथ में मौजूद है। माता जी आपने डाल लिया है वोट? हाँ डाल दिया भैया। किसे वोट किया माता जी? अब दई दिहन, अब का बताई, झगड़ा करवा अब भाई। नहीं झगड़ा थोड़ी कोई कर रहा है यहाँ, तो आप बताइए। किसे किसे दिया गया? जो जीते उसी को दिया गया बस। कमल है, साइकिल है। क्यों माता जी? साइकिल को दिया गया है। तो माता जी कह रही है साइकिल को दिया गया है। मामला जो लगभग यहाँ का बताया जा रहा है अम्बेडकर नगर सीट का, जो आप लोगों ने लगातार कमेंट किया है, कुछ उसी तरीके से नजर आ रहा है। और हम लोग और जो बूथ है आगे वहाँ भी चलने वाले हैं, और सभी बूथों के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर जाकर आप बहुत सारे जो इससे पहले सर्वे हुए वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अंबेडकर नगर की बात की जाए तो अंबेडकर नगर सीट पर जो टक्कर बताई जा रही थी वो आज वोट डला है, आज भी वैसा ही नजर आ रहा है। चलिए हम चलते हैं आगे और बूथ पर बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे।